हेलो बच्चों, मैं रितेश पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। होप करता हूँ आप सब लोग सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे और बड़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन का पूरा फुल यूज कर रहे होंगे, आप अपनी स्टडी को दे रहे होंगे। तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, तो पहले चैप्टर का आज है वीडियो नंबर 8। तो आप लोगों ने, होप करता हूं मैं, आप लोगों ने पुरानी सारी वीडियो देखी होंगी, समझा होगा, नोट्स बनाया होगा और कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करी होगी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो हमारे जो लास्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर, उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स हम आज लेंगे। ठीक है, तो होप करूंगा कि आप लोग भी अपने घर पे कुछ न्यूमेरिकल्स नेट से ढूंढेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया है, मैं रिवीजन कराता रहा, टॉपिक के नाम बता रहा हूँ आपको, रिवीजन भी कराता करा रहा हूँ। रीजन यही है ताकि आप लोग बार बार टर्म्स को सुनते रहें और उसके बारे में आपको बार बार रिमाइंड होता रहे। ठीक है, तो डायमेंशन मैंने पढ़ ली है, डायमेंशन की एप्लीकेशन, उसकी मेरिट डीमेरिट सारी पढ़ लिया हमने। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा लास्ट वीडियो था, उसको हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। और कुछ पुराने 10 के प्रिफिक्स वो कर लिए थे हमने, कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन थी वो करे थे हमने। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पुराने वीडियोस में कर लिया है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो हम आज कंटिन्यू करते हैं। आपका यहां से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि तीन वैल्यूज आपको गिवेन है, 7.21, 12.141 एंड 0.0028। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है और एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट की जो बात है वो अलग है। उससे पहले हमें क्या देखना है कि इन तीनों को ऐड कैसे ऐड करना है। तो वो ऐड करने का कोई अलग से फिजिक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए कुछ अलग से मेथड आ गया। ऐड करने की जो मेथड है वो नॉर्मली ही जैसे आप मैथ्स में करते हो, ठीक है ना, जैसे मैथ्स में हम करते हैं वैसे ही यहां पे है इसको करना है। तो 7.21 प्लस 12.141 प्लस 0.0028, जब इसको ऐड किया तो हमें फाइनल रिजल्ट कितना मिल गया, 19.3538। ठीक है, एडिशन करेक्ट है, लेकिन क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर हो चुका है? तो ये बिल्कुल अभी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के आगे पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब इस रिजल्ट को एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में हमें लिखना है, तो वो एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर है कौन सा, ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जितने भी हमें नंबर्स दिए होंगे, चाहे वो प्लस करने के लिए दिए हों, चाहे वो एड मतलब माइनस कराने के लिए दिए हों, या हमें इंटू करने के लिए दिए हों, जो भी कुछ दिया होगा उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, लेकिन कहां का, या लीस्ट सिग्निफिकेंट भी छोड़ दो यार, ऐसे समझो कि जो हमें जो गिवेन नंबर्स होंगे उसमें पॉइंट के बाद जो लीस्ट डिजिट होंगी, जितनी 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, वही लीस्ट डिजिट हमें लेकर के अपना आंसर देना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवेन था उसमें 3 डिजिट दे रखी हैं, और उन 3 डिजिट में क्या है, 0.21 एक में, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सेकेंड वाले में 141 मतलब 3 डिजिट है, और फोर्थ वाले में 0.0028 मतलब 4 डिजिट है। तो हमारे लिए सबसे कम डिजिट कौन सा है पॉइंट के बाद, 21 मतलब 2। तो गिवेन रिजल्ट को हमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही रखना होगा, इसके आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, ये काम, बस यही काम हमें हर जगह फॉलो करना है। ठीक है, एक इसका एक्सेप्शन होता है, वो भी हम आज देख लेंगे कि क्या होता है, तो आप उसको चीज को ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके लिए कंफ्यूज मत रहना। एक अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें लिखा हुआ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई देखो, यहां भी आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। ठीक है, तो पहले चीज तो हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए कोई अलग से मेथड है नहीं, जो आपने इसके पहले छोटी क्लासों में फॉर्मूले पढ़े हैं स्फीयर के, वही फॉर्मूले हमें यहां पे यूज करने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr³, 4/3 πr³। ठीक है, तो 4/3 तो वही रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी, और
जो रेडियस है 1.41 सेंटीमीटर उसको आपने पुट कर दिया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो 11.736 मिला सेंटीमीटर क्यूब। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट में क्या देखना है हमें कि इसमें जो वैल्यू दे रखी है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ध्यान रखना, मैंने वहां प्लस माइनस इनटू के लिए बोला था, इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए नहीं। तो इसमें मिनिमम हो सकता है सिलेंडर हो, तब तो उसमें दो हाइट दी होंगी, डिस्टेंस दी होंगी ना, एक रेडियस की दी होगी एक हाइट की दी होगी। तब हमें उन दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, और जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आपका फाइनल रिजल्ट बन के आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, कैलकुलेशन करते टाइम आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। हाँ, अगर आईसीएससी बोर्ड के हैं तो वो तो उनके पास तो खैर ऑप्शन है, वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 11 से अलाउ हो जाता है, लेकिन सीबीएसई वालों को तो नहीं करना है, उनके लिए अपनी खुद की कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ आईसीएससी के लिए है या सीबीएसई के लिए है। 11th क्लास से फिजिक्स में दोनों के सिलेबस सेम हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट है 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ याद है कि 1.2 सेंटीमीटर क्यूब किसकी वैल्यू है, क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, ये किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। तो वैल्यू किसकी होगी 1.2, वॉल्यूम का। तो मीनिंग हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट है, उसके पहले जो वैल्यूज थी 5.74 ग्राम, तो ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू 5.74 ग्राम। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। हमें क्वेश्चन वही है, ऊपर वाले का ही मीनिंग है, पर बोलने का तरीका अलग है, ठीक है, बोलने का मेथड अलग है, क्लियर है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो जब भी हम कभी कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो हमारा पहला काम क्या होता है कि सारी वैल्यूज आप लिख लो, ठीक है। तो आपके पास मास की वैल्यू थी वो आपने लिख लिया होगा, क्या कहते हैं उसे, वॉल्यूम की वैल्यू है उसको भी आपने लिख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये चेक करना होता है क्या ये जो गिवन वैल्यूज है हमारे पास, जितनी भी वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे तो खैर दो ही है, हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन उसमें से ज्यादा हो, तो हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये सारी वैल्यू एक ही यूनिट में प्रेजेंट है या अलग अलग में है, कि कोई एमकेएस में है, कोई सीजीएस में है, ऐसा तो नहीं है। अगर है तो हमें उनको आपस में कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे तो सीजीएस को एमकेएस में चेंज कर लो या एमकेएस को सीजीएस में चेंज कर लो, कोई टेंशन नहीं, बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी वैल्यू दी होंगी वो सारे सेम क्वांटिटी में, सॉरी सेम यूनिट में ही प्रेजेंट हो, या तो एमकेएस में हो जाए सारी या तो सीजीएस में हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता क्या है, एक चीज हमें, हमारे पास आंसर होता है, अब वो आंसर हो सकता है एमकेएस में लिखा हो सकता है सीजीएस में लिखा हो, ठीक है, तो आपको उसमें निकालना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना होगा कि मान लेते हैं मेरे पास चार वैल्यू थी, ठीक है, चार वैल्यू में से दो वैल्यू जो है, तीन वैल्यू जो है वो एमकेएस में, एक सीजीएस में। अभी बात बताओ मेरे लिए बेटर क्या है, उन तीन को सीजीएस में चेंज करना या उस एक को एमकेएस में चेंज करना, कैलकुलेशन कम का है मेरे पास, उस एक सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करना, तो मैं उसको कर लूंगा, बाकी तीन एमकेएस में ही मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट उन तीन को सीजीएस में चेंज करके कैलकुलेट करता है तो वो रॉन्ग है, नहीं, वो करेक्ट है, बट उसके पास उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तीन अलग अलग कैलकुलेशन तो वह है ही, प्लस जो हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन है वो अलग से, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस यही चीज ध्यान रखनी है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एरर, तो हम आज सिर्फ एरर के टाइप्स की बात करेंगे, नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके एक न्यूमेरिकल लेंगे और एक आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। पहले एरर की बात कर लेते हैं, वो स्पेलिंग सही कर लेना है एरर की, ठीक है।
तो ई आर ओ ई लिखा हुआ है तो आर कर देना आप लास्ट में। तो एरर इन मेजरमेंट, अब खुद ही सोचो यार हम भी लाइफ में कितनी एरर करते हैं, वो एरर होती कैसे, चलो एरर जैसे भी होगी ठीक है, लेकिन पता कैसे लगा हमें एरर हो गई, कुछ तो होगा ना क्राइटेरिया कि हाँ भाई अगर ऐसा ऐसा हो गया तो मतलब हमारा काम ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो एरर, कुछ तो होगा ना क्राइटेरिया, कुछ हमने सेलेक्ट किया होगा। वो होता क्या है उसी को जिसको जिसके बेस पे हम कंपैरिजन करते हैं कि हाँ भाई हमने सही किया रॉन्ग किया है, तो जिसको आपने बेस माना हुआ है ना वो मेरे लिए ट्रू वैल्यू होती है ठीक है। मीनिंग मीनिंग जैसे खुद ही सोचो 100 मार्क्स का हमारा पेपर होना है फिजिक्स का 11th क्लास में ठीक, आपने एग्जाम दिया या किसी ने एग्जाम दिया उसके आगे मान लेते हैं 90 मार्क्स, तो 100 तो कंप्लीट मार्क्स था, मैक्सिमम मार्क्स 100 था, आए उसके 90 मार्क्स क्लियर, तो उसके 10 मार्क्स की कमी है ना, तो मतलब क्या हुआ उसकी जो मेहनत थी वो 10 मार्क्स के लिए कम थी ठीक है, तो मतलब 100 हमारे लिए बेस हुआ क्लियर। तो ऐसे ही अब मान लेते हैं मेरे पास एक पेन है ठीक, उसको मैंने स्केल लिया मेजर किया और मुझे मिला वो कि 15 सेंटीमीटर उस पेन की लेंथ है ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसकी लेंथ थी 15.5 सेंटीमीटर ठीक है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी वो 15.5 सेंटीमीटर है, मैंने मेजर किया तो मुझे 15 सेंटीमीटर मिली क्लियर। तो एरर कितनी की है 0.5 की है, कैसे निकला एक ट्रू वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है सही रिजल्ट है, उसमें से जो हमने मेजर किया उसको माइनस करा दें तो जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारे लिए एरर होगा ठीक है। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर ही टाइप हो कि आपको बैठ कर रटना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि एरर कैसे कैसे हो सकती है वही इसके टाइप रहेंगे, अभी देखते हैं। कॉन्स्टेंट एरर, पहला क्या है कॉन्स्टेंट एरर, कॉन्स्टेंट एरर के लिए ऐसे समझो मान लेते हैं हमारे घर में एक घड़ी है ठीक है, उस घड़ी में जो टाइम है वो 10 मिनट आ गए ठीक है, और 12 बज रहे थे 10 मिनट आ गए, 1 बजेंगे तो उस केस में कितने देर आगे होगी 10 मिनट ही, 2 बजेंगे तब, 3 बजेंगे तब भी उतना ही रहेगा। मीनिंग हर एक वर्क में जो घड़ी आगे ही रह रही है वो 10 मिनट ही है, या पीछे करके रिज्यूम कर लो कोई टेंशन नहीं ठीक है, दोनों ही केस में चाहे घड़ी 10 मिनट आगे हो या 10 मिनट पीछे हो, दोनों ही केस में है क्या हर एक आर पर जो एरर मिल रहा है वो 10 मिनट का ही मिल रहा है ना, मीनिंग हर एक ऑब्जर्वेशन पे जो एरर मिल रही है वो फिक्स है ना, इसी को कॉन्स्टेंट एरर कहते हैं कि जो हर एक ऑब्जर्वेशन पे कॉमन एरर प्रेजेंट करे हमें ठीक है, क्लियर है ठीक है। इसका जो दूसरा टाइप है वो सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर में हमें ये देखना है कि भाई एरर हो कैसे रही है, जैसे पहला ही टाइप देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, पहला टाइप क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो सीधी सी बात है भाई इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी होगी जिसकी वजह से हो रहा होगा, लिखा हुआ है दीज एरर अकर ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब एरर में अब पहले से ही कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम जब मेजर कर रहे थे तो क्या हुआ एरर आ गया, जैसे आजकल सुना होगा कोरोना के लिए ठीक है टेस्टिंग किट आई थी एक जो काफी इंस्टेंटली रिजल्ट हमें दे रही थी ठीक है, लेकिन हुआ क्या जब एक क्राइटेरिया हमने फिक्स कर रखा था तो जब उसके बेस पे हमने उसे टेस्ट किया तो हमें वो रिजल्ट मिला नहीं ठीक है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट करने के प्रोसेस में मिस्टेक थी, नहीं प्रोसेस तो करेक्ट था ठीक है, एक्सपर्ट लोग प्रोसेस कर रहे थे चेक कर रहे थे, लेकिन मशीन के इंटरनली डिफेक्ट था ना प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट गलत मिल रहा था। तो इसका अगर हम इस कोरोना के लिए जो किट आई थी चाइना से जो आप सुन रहे होगे आजकल न्यूज में जिसको वापस करने वाले हैं तो वो है क्या वो इनबिल्ट डिफेक्ट है ना, तो वो किसी पर्सन की वजह से नहीं हुआ, वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर ठीक है। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कह रहा है कि दीज एरर आर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हर चीज की एक लिमिट होती है, अब भाई मैं अगर मान लेते वीडियो बना रहा हूं ठीक है,
तो मैं कॉन्टिन्यूसली 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे चलो मान लेते इतनी देर तक कंटिन्यू बोल सकता हूँ, सर तो इंसान ही हूं ना, मुंह में तो दर्द हो ही जाना है। तो हुआ क्या, फिर वो क्या है, मेरी एक लिमिटेशन 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलना स्टार्ट करूं तो कुछ मतलब वो फ्लो नहीं रहेगा या उस तरह से नहीं बोल पाऊंगा जैसे फर्स्ट 30 मिनट्स बोला था। क्लियर है? मीनिंग क्या हुआ कि जो मेरी लिमिटेशन है मैं उससे आगे जाके बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो चीज वैलिड नहीं हो पाएगी, वहां से मैं एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मोबाइल है, ठीक, मोबाइल में अगर सारे मोबाइल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास एम आई का मोबाइल है, तो उसमें क्या है कि जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें डाटा कनेक्शन अपने आप ऑफ हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो है क्या, वो उसकी एक लिमिटेशन है, अगर उसकी बियॉन्ड जा डाटा कनेक्शन, सॉरी एक चीज छोड़ दिया मैंने, डाटा कनेक्शन ऑफ कब होता है कि जब मोबाइल को मैंने ज्यादा यूज कर लिया, मोबाइल गर्म हो गया, ठीक है, उसके बाद डाटा कनेक्शन अपने आप ऑफ हो जाता है। तो हुआ क्या, वो उसकी एक लिमिटेशन है कि अगर मोबाइल इतने टेम्परेचर तक गर्म है तो वर्क में रहेगा, उससे ज्यादा हुआ तो वर्क में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर चीज की लिमिटेशन होती है, और उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद अगर हम वर्क करना चाहेंगे तो उसमें हमें एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? होप करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। चलो इसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यहां तक समझ में आ गई बात? ऐसे बहुत सारी एरर होती हैं, और बुक आप अगर आप ओपन करोगे तो बहुत सारे एरर मिल जाएंगे और भी। तो आपको सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उनको अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ लो, सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलो इतना पढ़ो, इतने वीडियो देखो, नोट जरूर बनाते रहना, जो भी क्वेरी होगी कमेंट करके जरूर बताओ, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक हैप्पी रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।